बच्चे स्कूल में कहानी सुनने वाले हैं। आज टीचर महाबली भीम को कैसे खुद पर घमंड हुआ था और कैसे उन्होंने सबक भी सीखा, उसकी कहानी सुनाने वाली हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं तुम सबको महाबली भीम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। महाबली भीम कौन थे आप जानते हो? हाँ टीचर, वो सबसे शक्तिशाली पांडव थे। बिल्कुल ठीक कहा। अब ध्यान से ये कहानी सुनो। जैसे कि आप सब जानते हो, भीम काफी शक्तिशाली इंसान थे, इसलिए उन्हें महाबली भीम के नाम से जाना जाता था। महाबली का मतलब ऐसा इंसान जो ताकतवर हो। एक दिन जब पांडव अपने वनवास के दौरान जंगल में रहते थे, तब भीम जंगल से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक बूढ़े बंदर को जमीन पर बैठे हुए देखा। उस बंदर की पूंछ जमीन पर फैली हुई थी। भीम ने उसे अपनी पूंछ रास्ते से हटाने के लिए कहा। भीम ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली मानव हूँ? तुम मेरा रास्ता रोकोगे? तब बूढ़ा बंदर बोला, माफ कीजिए लेकिन मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं ज्यादा चल फिर नहीं सकता। लेकिन तुम तो शक्तिशाली मानव हो, क्यों ना मेरी पूंछ उठाकर तुम बगल में रख दो और आगे बढ़ जाओ। भीम ने उस बूढ़े बंदर की पूंछ उठाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसकी पूंछ रत्ती भर भी टस से मस नहीं हुई। बहुत देर कोशिश करने के बाद भीम की समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है, जरूर इस बंदर के पास कोई खास शक्ति है। भीम ने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े और बंदर से उसके असली रूप के बारे में पूछा। वो बोले, ए महान आत्मा, आप निश्चित ही कोई साधारण बंदर नहीं हैं। कृपया मुझे अपनी पहचान बताइए। और उसी समय बंदर अपने असली रूप में आ गया। वो कोई और नहीं, खुद बजरंग बली थे। हनुमान जी को अपने असली रूप में देखकर महाबली भीम उनके आगे नतमस्तक हो गए और अपने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गए। हनुमान जी ने कहा, महाबली भीम, मुझे खेद है मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, पर मैंने देखा कि तुम्हें अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। हाँ, तुम एक शक्तिशाली मानव हो, लेकिन अपनी ताकत, बुद्धि और चातुर्य पर घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। हो सकता है कोई तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो। अपने घुटनों के बल बैठे महाबली भीम बोले, हे भगवान, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बात का एहसास दिलाया। तो तुमने देखा बच्चों, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्या कोई मुझे बताएगा कि हमें नम्र क्यों होना चाहिए? नम्र होना एक अच्छे इंसान का लक्षण है। वेरी गुड सिड। बच्चों, मुझे आशा है कि तुम्हें कहानी पसंद आई होगी। हाँ। कुकू,